हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुप्रिया। गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसा पैक जिसे लगाने के बाद में आपके बॉडी पे या आपके फेस पे जो सन टैन हो रहा है, जो सन बर्न हो रहा है, जो डार्क स्किन हो चुकी है, वो सभी रिमूव होने वाले हैं। सो गाइस इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो घर पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे एंड ये बिल्कुल ही नेचुरली है। सो गाइस चलिए हम आज की इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है बेसन यानी ग्राम फ्लोर। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे ऐड कर लिया है एक बाउल में। देन अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। ये हमारी स्किन के कील मुहासे जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उन्हें ये जल्द से रिमूव करता है। सन टैन के लिए तो ये रामबाण है। अब मैं ऐड कर रही हूँ लेमन। लेमन मैंने एक स्पून में इस तरीके से निचोड़ लिया है एंड मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। लेमन जो होता है उसमें भी एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड ये जो हमारी डार्क स्किन होती है उन्हें जल्दी से रिमूव करता है। ये हमारे स्किन के जो सनटैन हो जाता है उसे भी जल्दी से रिमूव करता है, डार्क स्किन को भी रिमूव करता है। देन मैं ले रही हूँ गुलाब जल यानी रोज़ वाटर। मैंने 1 टीस्पून रोज़ वाटर लिया है एंड मैंने इसमें ऐड कर लिया है। रोज़ वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। देन मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने 1/2 टीस्पून लिया है एंड इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है। अब मैं इसे इवनली मिक्स कर लूँगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा लिक्विडी ना हो, मैं इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी क्योंकि इसे जो है एक पैक के हिसाब से लगाना है हमें। सो गाइस मैं इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं इसे इसी तरीके से रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा पैक जो है वो रेडी होके तैयार हो जाए। सो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे अप्लाई करना है। सो गाइस हमारा पैक जो है वो रेडी हो चुका था तो मैं अपने हाथों पर इसे इस तरीके से अप्लाई करके बता रही हूँ। आप अपने फेस एंड बॉडी पे भी इसे इसी तरीके से अप्लाई कीजिए। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आप अप्लाई करेंगे सो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी डार्क स्किन को, आपके सनटैन को और आपके सनबर्न को ये बहुत ही जल्दी से रिमूव करेगा। एंड इसमें जो हमने नेचुरली इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं उससे आपकी जो स्किन है वो नेचुरली निखार करेगी और जल्दी से जल्दी ब्राइटन हो जाएगी। गाइस इस फेस पैक को लगाने के बाद 15 मिनट्स के लिए आप ड्राई होने दें, देन आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। सो गाइस आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी, आप ज़रूर एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय।